अस्सलामुअलैकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, सुमदित आप सब लोगों को हमारे चैनल फन एक्टर्स में। कहते हैं सुनो बड़े होंगे ऑप्शन का चुमड़ भी होंगे, मैं आपका कुदरत जो आप लोग सबको बताया कि तीन प्लेयरों को बैन कर दिया 3 ईयर के लिए। आप कुछ भी नहीं कह सकते आईपीएल भी नहीं कर सकते, शायद ये लोग माफी आईपीएल तो नहीं खेल सकते ना, आईपीएल खेल सकेंगे ना, पीएसएल खेल सकेंगे ना, बाकी जो लीग माफी मांगे तब हो जाएगा। ये पहले तो वीडियोस देखेंगे, बाद में यही कहेंगे। अच्छा, वीडियो को वॉच करें, मैं सीरियसली मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। वॉच करें, वीडियो को वॉच करें, इस पर मेंशन नंबर जरूर स्ट्राइक कीजिए, साथ में जो मेरा आइकन है उसे लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल पर फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। स्टार्ट, ओके स्टार्ट है। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि इंसान कई बार बहुत कुछ पाने की चाह में सब कुछ गवा और ये अफगानिस्तान के तीन खिलाड़ियों पर बात सटीक बैठती है, जिनका नाम है मुजीबुर रहमान, नवीन उल हक और फजल अकबर। अफगानिस्तान के तीन ऐसे सितारे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई, नाम कमाया, लेकिन जब महत्वाकांक्षाएं पैसे की जरूरत ज्यादा बढ़ गई तो अफगानिस्तान ने उनकी हैसियत दिखा दी और अब उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। ये खबर अपने आप में बड़ी है और ये जो मैसेज है जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने तीन खिलाड़ियों को दिया है, शायद आगे आने वाले समय में बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अपने खिलाड़ियों को एक सख्त मैसेज के तौर पर दिया जाए। yes, देना चाहिए। दरअसल नवीन, फजल हक फारूखी और मुजीबुर रहमान ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा था कि उन्हें नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीफ देते। वो नहीं चाहते कि नेशनल कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिले, यानी कि अफगानिस्तान के लिए बहुत ज्यादा वो खेलना नहीं चाहते, दुनिया भर में लीग उन्हें खेलने का मौका मिले। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, अच्छा ऐसा है, देश ज्यादा पैसा महत्वपूर्ण हो गया, तो एक काम करते हैं बेटा, तुमको हम ना देश के लिए खिलाएंगे ना तुमको बाहर खिलाएंगे। 2 साल के लिए एनओसी रोक दिया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बैठा दिया, यानी अब ना देश में खेल पाओगे और ना बाहर जाकर किसी देश में लीग खेल पाओगे। ये कार्रवाई जो हुई है ये डिसिप्लिन के तौर पर कार्रवाई हुई, यानी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो हुई है। अब 3 साल का इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रुका गया, यानी अगले 3 साल तक अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के लिए खेलते हुए जो पैसे इन्हें मिलते थे वो इन्हें नहीं मिलेंगे और ये उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए। इसका दूसरा असर ये भी हो सकता है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन होगा उसमें भी शायद इनको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी और इनकी जगह दूसरे खिलाड़ियों को प्रायोरिटी दी जाए। तो एक तरीके से अफगानिस्तान के लिए खेलते ये लोग काफी कम दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जो दूसरा, जो इन पर सजा का ऐलान किया गया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें किया गया है कि इन्हें 2 साल तक एनओसी नहीं दी जाएगी। अब अगर आप किसी भी देश के लिए खेलने जाते हैं तो आपको, या किसी भी देश में लीग खेलने तो आपको एनओसी लेकर जाना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन एक तरीके से कह लिए, और एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं देगा। आप याद कीजिए, हारिस रऊफ को लेकर भी पाकिस्तान ने बहुत रुलाया था, जब हारिस रऊफ ने कहा कि वो टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे तो अफगानिस्तान से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एनओसी को लेकर थोड़ा रुलाया था, थोड़ा परेशान किया था और इसी वजह से हारिस रऊफ काफी तिलमिल कर रहे थे। लेकिन यहां पर तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सख्त कदम उठाया जहां पर नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए उन्हें एनओसी नहीं मिली, यानी किसी भी लीग में वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे। और इसका सीधा जो सबसे बड़ा और सबसे पहला डेंट होगा वो होगा फजल हक फारूखी और नवीन उल हक को। नवीन उल हक हम सब जानते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं और फजल हक फारूखी जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं। लेकिन इन दोनों टीम से खेलने वाले खिलाड़ियों को अगर ये एनओसी नहीं मिली तो फिर उन्हें आईपीएल 2024 में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। और इसका मतलब ये होता है कि जो पैसे, जो मोटी रकम उन्हें आईपीएल खेलने के लिए मिलती वो इन्हें नहीं मिलेगी। इस सारे विवाद की शुरुआत होती है जब ये तीनों खिलाड़ी बोर्ड को अपने आप को बताते हैं कि 1 जनवरी 2024 से इन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया जाए, यानी इन पर किसी प्रकार का अनुबंध ना हो। दरअसल जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो आपको जैसा क्रिकेट बोर्ड कहता है वैसा करना है। लेकिन इंग्लैंड से इस ट्रेंड की शुरुआत हुई थी जहां पर खिलाड़ी जो होते हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होते हैं।
कई बार वर्ल्ड कप खेल लेते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के अलावा बाकी जो टूर्नामेंट होते हैं वहां पर वो खेलने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी पर इसका असर पड़ेगा। वैसे भी नवीन उल हक को हम सभी जानते हैं कि उन्होंने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। तो वही कहानी यहाँ पर तो है को लेकर कि आप 2024 में हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से रिलीफ कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी किसी भी क्रिकेट बोर्ड में इतने से पैसे मिलते हैं, काम उनसे इतना ज्यादा कराया जाता है। एक समय खिलाड़ी जब स्टैब्लिश हो जाते हैं तब वो चाहते हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के बाद वो इससे बचना। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हाल फिलहाल में काफी अच्छा कर रहा था, उसे शायद ये रियलाइज होगा कि अगर नेशनल बोर्ड को खिलाड़ी तवज्जो नहीं देते हैं, और इसी तरह से 24 साल 25 साल के बॉलर जो हैं या बैट्समैन जो हैं वो संन्यास लेते हैं, तो शायद आगे आने वाले समय में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी संख्या में लोग होंगे जो शायद बचना चाहेंगे। और इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, कहा कि भाई आप तीनों को हम अब नेशनल कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी इच्छा है वो नहीं देंगे, 3 साल के लिए देंगे, और उसके बाद हम आपको एनओसी भी नहीं देंगे। और उसके बाद एक क्लियर स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें कहा गया कि ये तीनों खिलाड़ी वो हैं जो अपने देश से ज्यादा कॉमर्शियली काम करने को इच्छुक हैं, यानी राष्ट्रभक्ति से ज्यादा पैसों की भक्ति को लेकर ये रुचि दे रहे हैं, और क्योंकि नेशनल ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं इसलिए हमें लगता है कि हम इनको थोड़ी देर के लिए थैंक यू करते हैं। अब इस पर क्या हो सकता है, इस पर एक तो ये फैसला हो सकता है कि जो फैसला लिया गया वो 3 साल तक वहां पर जारी रहेगा नेशनल ड्यूटी में और 2 साल तक लीग क्रिकेट में, और एक ये हो सकता है कि ये लोग माफी वाफी मांगे और अपॉलोजी के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इन्हें माफ कर दे। लेकिन फिलहाल इनकी बैंड बजने वाली है और ये बैंड बज जाएगी, क्योंकि ये ना घर के होंगे ना घाट के। वो जो कहावत नहीं है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब मुहावरे के तौर पर, यानी कि ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे, वही कहानी इनकी हो सकती है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला कैसे आप देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये नेशनल ड्यूटी के ऊपर पैसा हर देश बहुत अच्छा किया, हर जगह पे होना चाहिए। जो कि जब ये न्यूज मैंने देखा, मैंने पता नहीं कहां पे देखा, फिर मैं बहुत ही हैरान रह गया। मैं फेसबुक पे मैंने डायरेक्ट फेसबुक के खोला कि ये वीडियो मैंने पहली बार देखा, तो मैं हैरान रह गया। पहले यूट्यूब पे मैं वीडियो चेक कर रहा था कि हम लोग क्या क्या वीडियो बनाएंगे, तो ये वीडियो सामने, फिर मैंने फेसबुक पे चेक किया, जो बोर्ड की जो पेज है वहाँ पे चला गया कि यार ये वाकई अभी देखो ये बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि हमारे जो अच्छे अच्छे प्लेयर यही तो है, तीनों खेल रहे थे, मतलब वर्ल्ड कप भी खेला, और ये पता चल रहा है कि इन्होंने जो अफगान बोर्ड है उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया, इससे आगे जो प्लेयर्स होंगे उनको भी ये पता चल जाएगा, उससे एक बड़ा सबक ये भी मिलेगा बाकी बोर्ड को भी कि उनको भी इस तरह करना चाहिए। वो ये जो प्लेयर थे हमारे अफगानिस्तान बहुत ही पसमांदा, मतलब बहुत ही हमारे हालात आप कंट्री के बहुत ही खराब थे, हमारे जो प्लेयर थे एक हमारे लोग, मैं एक रियलिटी बता दूं, हमारे लोग पैसों की बहुत ही लालची होते हैं, ठीक है, ऊपर से ये जो लोग थे इनको जो है गली कुचों से उठाया, यही इसी कंट्री ने, इसी बोर्ड ने, ये उसी टाइम इस बोर्ड के पीछे पड़े हुए थे कि हमें ले लो, हमें टीम में रख लो। पहले ऐसा ही होता है जब कोई प्लेयर पे, अब इनके ये स्टार बन गए, इनके नाम बन गए, ये कई लीग्स में खेल रहे, तब ये अपने औकात भूल गए भाई, नेशनल ड्यूटी निभा नहीं रहे भाई, कंट्री के लिए भी खेलो, लीग्स भी खेलो, दोनों करो भाई, सब खेल रहे हैं। बाकी जो थी मोहम्मद नबी देखो अभी तक खेल रहे हैं, कि वो 40 नेशनल ड्यूटी भी इसी तरह निभा रहा है। फिर एक चीज और भी है, ये लोग क्या करते, अगर ये लोग वाकई पैसे कमाना चाहते तो इनको रिटायरमेंट लेना चाहिए था, क्यों रिटायरमेंट ये लोग नहीं ले रहे, रिटायरमेंट ले लो भाई, जितने भी लोग खेलना चाहते हो जाओ खेलो भाई, लेकिन ये रिटायरमेंट भी नहीं लेगा, क्योंकि नवीन का तो मालूम है, नवीन का तो फुल मालूम है कि वो बंदा पैसों का बहुत ही लालची बंदा है, क्योंकि उन्होंने जो वनडे अभी तक 10 मैचेस खेले नहीं है, थोड़ा बहुत नाम पान किया, लीग्स में उसका नाम आ गया, बस इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ो, टेस्ट छोड़ो भाई, वनडे छोड़ो, क्योंकि वो थका देगा इसका बॉलर है, लाजमी बात है, फिर इसकी जो है मतलब फिटनेस नहीं होगी, फिटनेस जारी नहीं रहेगी, लेकिन ये लालच कहते ना लालच बुरी बला है, तो यहाँ पे सब साबित हो गया कि लालच बुरी बला है। अब इनको ये तो माफी मांगनी होगी जो इन लोगों ने, 3 साल के लिए रगड़ करेंगे, 3 साल तक नहीं चलेगा, थोड़ी पेनल्टी देंगे, 1 साल तक पेनल्टी देंगे इनको, आपका भाई इतना वो नहीं करो, इतना उड़ो नहीं बंदा, इतना नहीं उठना चाहिए भाई आपको। अभी तक आप कुछ लोग कहेंगे कि यार बोर्ड उसके साथ जिद कर रहा है, भाई वो टॉप भाई, मैं बता दूं मुझे कितने सालों से आईपीएल खेल रहा है, अगर कोई वो होता तो क्यों नहीं रोकता उसे पहले, मतलब बाकी जो क्या नाम है फारूकी है या दूसरा है वो तो अभी तक नहीं हुआ,
किसी को नहीं रहा कि इन लोगों की अपनी गलती की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। exactly. जो कि बंदे को अपनी औकात नहीं बोलनी चाहिए। मुझे तो बहुत दुख हुआ, बहुत दुख आ रहा है कि हमारे प्लेयर्स लेकिन इस तरह नहीं करनी चाहिए भाई। हमारे टॉप जिस कंट्री ने आपको इतना इज्जत दी, इतना ऊपर लाया, उसको आप इस तरह कर रहे हो। बहुत ही गलत काम किया है। नेशनल ड्यूटी अलग निभाना नहीं चाहते, वही नेशनल वाले लोगों ने, लोगों ने तो आपको सपोर्ट करके यहाँ तक लाए। अगर आप अभी इस तरह करोगे, बाकी मैचेस खेलोगे तो क्या फायदा होगा भाई। बाकी ये थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई प्लीज वॉच नो कॉर्नर्स। साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। सबको मिल रहा है स्वाभाविक। इतना ही, अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।